रहे हैं हमारे पुराने स्टूडेंट यूपी से, गोरखपुर से, जिनका नाम है मिस्टर आजाद चौरसिया। पुराने स्टूडेंट है, लॉकडाउन के स्टूडेंट है, ऑफलाइन के स्टूडेंट है, और आज इनका देखेंगे आप कि हैंड स्किल का कमाल क्या है और ये हैंड स्किल कहाँ से आए हैं वो आजाद जी खुद बतलाएंगे। जैसा हमें लग रहा है कि आजाद जी की यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि पिक्चर उनका फंस फंस के आ रहा है, पर क्वालिटी जरूर देखेंगे और ये क्वालिटी यूनिवर्सल स्टेंसिल से हो रहा है। ध्यान रखिएगा सभी भाई, यूनिवर्सल स्टेंसिल से कर रहे हैं, एक भी बॉल बड़ा छोटा नहीं है, ये एसएम ग्रुप ऑफलाइन का ताकत है। कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस तो इसीलिए सारा चीज का दिए है ना कि इमरजेंसी में यूनिवर्सल का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। 1800 सर, यहाँ पे ये फर्स्ट वाले पे 488। अच्छा, इस पे फर्स्ट वाले पे 488, ठीक है, सेकंड वाले पे 388, थर्ड वाले पे 4। वोल्टेज सर, तो रीडिंग चेक करना है? नहीं, वोल्टेज ही चेक करना है, 0.75, 700 प्लस डीसी में वोल्टेज कुछ ट्रेस करना है, 700 प्लस। सर इस पे आ रहा 500 प्लस है, स्टेबल है, ड्रॉप है सर, बढ़ रहा है धीरे धीरे। कितना हुआ? 700 प्लस है। 700 प्लस है ना? नहीं, 600 प्लस हो गया सर। 600 प्लस है, 700 गया तो। हाँ, वोल्टेज रुका हुआ या कम बेस हो रहा है? कम बेस हो रहा है सर। कम बेस हो रहा है, इससे आपको आजादी कुछ अनुभव मिला क्या सर? ये जो काम करा रहे इससे कुछ समझ में आया आपको? अभी नहीं सर, कुछ और सवाल आगे आएगा तभी समझ आएगा। अच्छा, ये S1 की लाइन है जिसे आप ट्रेस कर रहे हैं और ये CPU का वोल्टेज है। अब CPU का वोल्टेज नापने से हमें बेनिफिट क्या है वो समझ लीजिएगा, क्योंकि पीछे का कैन है, पावर चार्जिंग खोल के हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्टली CPU में चेक कर रहे हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो हमारा टोटल मसला खत्म हो गया कि चार्जिंग में काम करें कि पावर में काम करें। yes. समझ गए। अब CPU रिवॉल्व किए हुए हैं अच्छा से, इसको थोड़ा थोड़ा हमको पेस्ट लगा हुआ साइड में दिख रहा है उसको साफ कीजिए और CPU बैठाइए। Thank you.
आराम से बैठाइए। इसे हाँ देखिए बैठाते हैं, वैसे बैठे दो। दादी एक मिनट देखिए, कुछ लगा हुआ जैसे कि नहीं हमें लगा हुआ दिख रहा है, आप लिख लीजिए। ऑटो का नंबर चाहिए ताकि दोनों कॉल के बीच में क्लास रोज रहेगा 9 बजे से 10 बजे तक। जी सर परफेक्ट है, अब बैठाइए। और इसमें डेली एक एक सेक्शन की पढ़ाई करवाएंगे हम आपको, पहले सोचने पे मजबूर करेंगे और फिर उसके अंदर जितने कंपोनेंट हैं सबकी चाल बतलाएंगे और प्रॉब्लम पे भी काम करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जैसे मान के चलिए कोई हैंडसेट आया लाइट का प्रॉब्लम है तो पहले उसका हम क्लास देंगे और फिर लाइट का ट्रेसिंग करवाएंगे। वो सारा चीज क्लियर करवाएंगे हम, किस मोबाइल में क्या चाल होता है, कौन सा आईसी लगा हुआ है, उसका क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, वो सारा चीज बतलाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जी दोनों एमोलेड जीपीएस जीपीओ पे चलता है और जो नॉर्मल होता है वो आपको माइनस प्लस पे चलता है, ठीक है। तो सबका चाल अलग है, वो सिग्नल होता है 1.8 होता है जी, तो सारा चीज ट्रेसिंग होता है। फाइन नॉट का क्लास ले रहे, पहले तो मदरबोर्ड का चाल पढ़ाएंगे, उसके बाद जिस मोबाइल का जिस सेक्शन का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर स्कीमेटिक पढ़ाएंगे, यानी प्रैक्टिकल फाइन नॉट का कराएंगे और उस फाइन नॉट के द्वारा जो कमी बेसी लिख लेगा उसे स्कीमेटिक में पढ़ाएंगे, दोनों एक साथ चलेगा आपका। जी, ऑनलाइन ले रहे हैं, जब आपका दिल करे तब ले लीजिए, अभी दिल करेगा अभी ले लीजिए, एक साल बाद दिल करे एक साल बाद ले लीजिए। अगर आपका क्षमता एक बार का है तो एक बार डाल के टेंशन मुक्त हो जाइए, आपका क्षमता 2 बार का है तो 5,000 अभी डालिए, 5,000 क्लास के लास्ट में डालिए। अभी जो बात किए थे कोर्स के लिए आपका, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और हमारा नया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।